आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे बंदर का चश्मा। बंदर का चश्मा, देखो ये बंदर चश्मा लगाए हुए हैं। ये देखो बंदर चश्मा लगाया हुआ है ना। बंदर देखियो कभी बंदर का चश्मा लगाए देखियो कभी नहीं देखियो। आज बताते हैं बंदर के बारे में। तो कहानी का नाम क्या है? बंदर का बंदर खाने की तलाश में छत के जो घर होता है घर की छत के ऊपर बैठा था। वो उसको भूख लगी थी, खाना ढूंढ रहा था। ठीक है, वहां उसे एक चश्मा मिलता है। ऐसे वहां चश्मा छत पे पड़ा था, वो चश्मा लेता है और चश्मा पहन लेता है। चश्मा जैसे वो पहनता उसको सब कुछ उल्टा दिखने लगता है। उल्टा जाते हो ऐसे, तुम खड़े हो सर नीचे दिख रहा है, पैर ऊपर दिख रहा है, उल्टा। तो बंदर बोला, अरे ये क्या है, ये तो उल्टा दिखा रहा है, आसमान नीचे दिख रहा है, जमीन ऊपर दिख रही है। बंदर सोचता, अरे ये क्या है। चश्मा लगाने के बाद बादलों को नीचे देखकर बंदर को बहुत मजा आ रहा था। बंदर चश्मा लगाने के बाद उसको बादल नीचे दिख रहे थे, बादल नीचे तो जमीन ऊपर दिख रहे थे, पेड़ ऊपर दिख रहे थे, जमीन बादल तुम्हारे नीचे दिख रहे थे। उसको बहुत मजा आ रहा था, खूब कूद रहा था, खूब उछल रहा था वो चश्मा लगा के। फिर वह छत से बादल पकड़ने के लिए नीचे कूदता है, अच्छा सोचो खूब ऊपर बैठा रहता है, अच्छा से बादल पकड़ने के लिए वो सोचता मैं नीचे जाके बादल पर से पकड़ लूं। अच्छा, वो ऊपर बैठा रहता था, ऊपर से पकड़ने के लिए नीचे से कूदता है छत से। छत से कभी कोई कूदते देखे हो? बंदर छत से धड़ाम से कूद जाता है। बंदर जोर से धड़ाम की आवाज करते हुए गिरता है। बंदर का चश्मा टूट के चटक के टूट जाता है। अब बंदर को ना बादल दिख रहा है और ना आसमान। जब बंदर गिर जाता है अब ना उसको चश्मा भी टूट गया, अब ना बादल दिख रहा है ना आसमान दिख रहा है, जमीन है। बंदर का हाँ पैर टूट जाता है। बंदर खूब रोता है, खूब रोता है। अब बंदर अस्पताल में पड़ा हुआ है, हाथ अलग पैर अलग, न बोल पाया न खा पाया। मजा आई?